नमस्ते नमस्ते, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। और आज के इस नए ब्लॉग में हम आपको एक रोड ट्रिप दिल्ली ले जा रहे हैं, न्यू दिल्ली या यूं कह लीजिए गाजियाबाद टू पटना नॉनस्टॉप। अभी सुबह के बजे हैं 9:15, थोड़ा लेट हो गया, हम लोग 8 बजे तक प्लान कर रहे थे, कोई नहीं, तो 9:15 बजे हम लोग इंदिरापुरम गाजियाबाद से निकल रहे हैं और रूट वही है, लखनऊ होते हुए गाजीपुर होते हुए हम लोग पटना जाएंगे। गाड़ी में अभी यही डीजल भरवा रहे हैं ताकि रास्ते में भरवाना ना पड़े। और यहाँ डीजल का रेट भी सही है। सही है, तो डीजल हम लोगों ने 3500 का ले लिया, पहले से थोड़ा था डीजल, टैंक फुल है। और बहुत लोग पूछते हैं वीडियो खत्म होने के बाद, भाई साहब गाड़ी कौन सी थी, पहचान नहीं पाते हैं। तो हुंडई क्रेटा है, 1.4 डीजल इंजन, इसका एवरेज 20 से लेकर 22 क्या 24 तक भी आता है एक्सप्रेसवे पर। तो हम लोग आ गए अब मेरठ एक्सप्रेसवे पर और यहाँ से हम लोग नोएडा सेक्टर 62 होते हुए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। तो अब हम लोग पहुंच गए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद अब सारी जनता जो है उसी एक्सप्रेसवे का यूज कर रही है पटना जाने के लिए, हम लोग भी उसी को यूज करेंगे। एक प्लस पॉइंट, दो प्लस पॉइंट है बेसिकली, एक तो एक्सप्रेसवे है और टाइम कम लगेगा, और दूसरा उस पर फिलहाल टॉल नहीं है जब तक यूपी का इलेक्शन ना हो जाए, भी कारण है। डिस्टेंस भी थोड़ा कम हो गया है, गोरखपुर और लखनऊ से जो रूट है लखनऊ से गोरखपुर होते हुए पटना, उसके मुकाबले ये 30 किलोमीटर करीब कम पड़ता है, तो ऑफ कोर्स टाइम का भी बचत है। तो देखते हैं अब हम लोग रात में कब तक पहुंचेंगे, ऐसे प्लान तो है कि रात के 1-2 बजे तक 15 से 16 घंटे में पहुँच जाएँ। और लखनऊ इस बार रुकने का इरादा नहीं है, नहीं तो हम लोगों को लखनऊ का खाना पीना इतना पसंद है, बिना लखनऊ में कुछ खाए पिए निकलते नहीं है उस चक्कर में, लेकिन 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। So we have stopped here for a small pee break। और अब इधर मौसम थोड़ा गर्म है तो जैकेट वैकेट उतार दे रहे हैं, और पीछे पूरा सामान भरा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर जब आप आते हैं तो शुरू शुरू में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही ड्राइव एकदम बोरिंग हो जाती है। खुला खुला एक्सप्रेसवे, बिल्कुल कम ट्रैफिक, कंटिन्यूसली 100 की स्पीड पे आप चल रहे हैं, तो हम लोग भी 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे हैं। तो चलते चलते बोर हो गए तो एक बार फिर 5 मिनट के लिए रुक गए, और वृंदावन क्रॉस हो चुका है और आगरा आने वाला है, अब ज़्यादा नहीं होगा, 40-50 किलोमीटर। टाइम हो रहा है दिन के 11:30, मतलब हम लोग 2.25 घंटे करीब चल चुके हैं।
एक घंटे में आगरा क्रॉस कर जाएंगे। ड्राइव में मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट मेरी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं है। क्रूज कंट्रोल होना तो और मज़ा है। हो गया बाबू का, चला जाए। अभी हम लोग रुके हैं आगरा वाले टोल प्लाजा के पास चाय पीने के लिए। इधर कुछ खाना है? नहीं, चिप्स लेना है? हाँ लेना है, कुछ चिप्स ले लो। हो गया, चिप्स हो गया, लॉलीपॉप मिल गया। क्या आप चला जाए? हम लोग आगरा पहुंच गए 12:25, मतलब 3 घंटे 5 मिनट मान लीजिए। अच्छी स्पीड मेंटेन रही और जीटी रोड को अभी अभी क्रॉस किया है एंड नाउ वी आर ऑन आगरा इनर रिंग रोड। अच्छा, इस रिंग रोड पे जो टॉल प्लाजा है उस पे 40 रुपये का टॉल है और वहाँ फास्टैग काम नहीं करता है, मतलब फास्टैग वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ कैश में देना पड़ता है। And now we are entering Agra Lucknow Expressway and time is 12:40. तो हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो एंट्री टॉल प्लाजा है वहाँ रुके हैं। छोटी सी शॉप है यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर चिप्स वगैरह ले ले और पानी ले ले। पानी ख़त्म हो रहा है गाड़ी में। ये लो, ये तुम्हारा और इसका तो अलग से दे दो, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये तो आप ही खाते हैं। नहीं नहीं, तो पीछे रखो ना। लास्ट टाइम जब हम लोग दिल्ली से पटना गए थे तो दिल्ली से रात में निकले थे 8 बजे, तो इस जगह पर मैं करीब 12 बजे रात को पहुँचा था। तब मैंने चाय पी थी, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत बुराई की थी। चाय नहीं, बिल्कुल पानी पानी था वो। उस समय बसेस रुक रही थी, नाइट बसेस यहाँ पे, लेकिन आज जो चाय दी है इन्होंने, आज वो चाय सही है, ठीक लग रही है। हम लोगों ने बिस्किट वगैरह ले लिया, चाय भी पी ली, कचौड़ी भी खा लिया। यही सब करते करते 1:15 बज गया, तो 1:15 हो गए, तो 3 घंटे और जोड़ ले तो 4:15, 4:30, तो बाई 4:30 और 5 वी शुड बी, बाई 4:30 और 5 PM वी शुड बी इन लखनऊ। बट आज लखनऊ हम लोग बाहर से निकल जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, और आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है। मिस्टर बाबू इज ऑन फ्रंट सीट। ओ खलासी, कुछ दिख रहा है? शीशा कौन साफ करेगा? तो हम लोग पहले वाले फूड प्लाजा पर रुके हैं और पूरी सब्जी लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ नहीं खाएंगे, अगले वाले पे खाएंगे। फिलहाल कार के शीशे साफ कर ले और बच्चों को टॉयलेट जाना है,
हाँ शीशा गंदा हो गया है, इधर भी थोड़ा गंदा हो गया है, इसे पूछ देते हैं। अच्छा बहुत लोग पूछते हैं वीडियोस देख के कि रवि जी आपकी कार रोड ट्रिप पे भी ठीक ठाक चमकती रहती है, तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हर 4-6 घंटे पर इसको पोंछता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है और इसीलिए थोड़ी चमकती। इधर गंदा हो गया है, ठीक है थोड़ा बहुत साफ कर देते हैं। तो दूसरे वाले टॉल प्लाजा पे अभी हम लोग रुके हैं, उधर कुछ सिटिंग एरिया दिख रहा है, अच्छा उधर ही सोच रहे हैं एक बार वॉशरूम से आ जाए वीना, उसके बाद हम लोग उधर ही बैठते हैं। बाबू तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? ये अच्छा स्पेस है, पार्क जैसा है, झूले तो कुछ है नहीं बच्चों के लिए, लेकिन सीटिंग स्पेस है, सर्दियों में बैठने के लिए बढ़िया है। तो यहीं हम लोगों का खाना पीना भी चल रहा है लंच, और बाबू टॉफी के लिए रो रहा है। आजा 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 आजा, क्या चोट लगी? तो लंच हो गया अपना, और तो रखो रखो इसी में रखो, हाँ इधर है तो साइड में, दुनिया भर का जगह है। और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, वीना बस आ जाए, बाबू को हाथ धुलवाने ले गई है। प्रॉब्लम अब आगे है कि आगे लखनऊ, और लखनऊ से फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तो कुछ मिलेगा नहीं। अब डिनर का पता नहीं, देखा जाएगा, डिनर तक में भी हम लोग बक्सर पहुँच जाएंगे 8 बजे तक। तो अभी हम लोग गंगा क्रॉस कर रहे हैं, और अब यहाँ से लखनऊ हार्डली 1.25 घंटे लगने चाहिए, 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर लखनऊ पहुँच जाएंगे हम लोग। टाइम अभी हो रहा है 3:45। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एंड हुआ, और अब यहाँ से हम लोग लखनऊ इंटर करेंगे, और फिलहाल तो लखनऊ होकर के ही मतलब जाना पड़ता है, थोड़ा बाहर बाहर से पूर्वांचल तक एक बाईपास बन रहा है बाहर बाहर, होपफुली 1 से 2 साल में तैयार हो जाएगा, तब आप पूर्वांचल से डायरेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को कनेक्ट कर पाएंगे। इंदिरापुरम गाजियाबाद से लखनऊ तक आने में हम लोगों को करीब 7.5 घंटा लगा, जिसमें हम लोग खाते पीते आए हैं, रुक रुक के भी आए हैं, और अच्छा स्पीड मेंटेन कर पाए। और अभी फिलहाल अवध चौराहे के पास है, यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे और बाईपास होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। अरे नहीं चाहिए भैया ये सब। शाम के 5 बज गए और हम लोग अभी लखनऊ बाईपास पर हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे 350 किलोमीटर ना तेल मिलता है ना पानी, तो हम लोग से सोच रहे हैं तेल पानी लेके चले। डिनर का भी कुछ ठिकाना नहीं है, वैसे है चिप्स बिस्किट, तो अभी पीछे रुके थे तो पानी तो ले लिया और तेल भी है गाड़ी में ठीक ठाक, फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। एचपी का पंप मिल गया, गस्ट एक्सप्रेसवे से पहले ही है, तो यहीं पे डीजल ले ले रहे हैं, टैंक फुल करा रहे हैं। अब कम से कम यहाँ बिहार में जाकर अब तेल भरवाएंगे। तो डीजल आया 2600 का और यहाँ भैया लोगों को अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा दिया है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले आखिरी टंकी है ना इधर से आने में, इसके बाद तो सीधे पूर्वांचल है, और कोई टंकी ना मिलेगी। हाँ, तो ये तो बढ़िया लोकेशन है ना, ये तो बताना पड़ेगा ना, बहुत लोग पूर्वांचल पे चढ़ जा रहे हैं बिना तेल लिए। तो अब हम लोग आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, टाइम हो रहा है 5:43, गाड़ी में तेल फुल है और हम लोगों का पेट भी ऑलमोस्ट फुल है, भूख किसी को लगी नहीं है। तो बिंदास यहाँ से दौड़ते हुए जाएंगे और देखते हैं 3.5 से 4 घंटे में हम लोग गाजीपुर टच कर जाएंगे होपफुली। तो एक्सप्रेसवे पर करीब 15 किलोमीटर चलने के बाद रुके थे फॉर ए स्मॉल पी ब्रेक, बाकी मौसम ठंडा हो गया तो जैकेट वैकेट सब डाल लिया है। और एक्सप्रेसवे की क्या बात करें, एकदम सही है, काम लगभग कंप्लीट ही है। 1 महीने पहले भी मैं इधर से गया था और उसमें मैंने एक्सप्रेसवे का वीडियो पूरा डिटेल में बनाया था, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, आप इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे। तो हम लोग सुल्तानपुर के पास पहुंच गए हैं, टाइम हो रहा है 7:05, ड्राइव काफ़ी स्मूथ है, ड्राइव काफ़ी अच्छी जा रही है। एज यूजुअल हम लोग गाने सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं, अभी तो ऐसे रुकने का कहीं मूड नहीं है, लगातार चलेंगे, जब बोर होंगे कहीं तो रुक जाएंगे, थोड़ा पैर स्ट्रेच कर लेंगे। ईजिली यहाँ पर आराम से 100 की स्पीड मेंटेन हो रही है, वैसे तो यहाँ पर 120 पे भी लोग चला रहे हैं, बट मैं 100 के आसपास ही चल रहा हूँ। तो एक्सप्रेसवे पे अप्रॉक्सीमेटली 140 किलोमीटर चल चुके हैं एंड अगेन स्टॉप फॉर जस्ट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने के लिए रुके हैं 2 मिनट के लिए, बाकी कंटिन्यूसली गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही है, 100, 110, 90 के नीचे तो उतर नहीं रही है। और एक चीज़ और क्या है कि 1.5 महीने पहले जब इसको क्रॉस किया था हमने लखनऊ से पटना जाते समय, उस समय इस पर ट्रैफिक कम था और ट्रक्स तो बिल्कुल नहीं थी, बट अब ट्रक का ट्रैफिक अच्छा खासा दिखने लगा है इसमें। तो बेड बनकर तैयार है और बाबू और लवी की आश है, ये लोग सोएंगे, अब हम लोग अब गाड़ी चलाएंगे। एक और इन्फो, यहाँ जो सामने दिख रहा है ये टॉयलेट ब्लॉक है जो कि रेडी है, पटना से दिल्ली जाते समय हम लोगों ने इसको यूज़ भी किया था, बट जो लखनऊ साइड वाला टॉयलेट ब्लॉक है टॉल प्लाजा के पास, वो फिलहाल रेडी नहीं है। रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग बक्सर क्रॉस कर रहे हैं अभी, और
इस एरिया को रात में क्रॉस करना ही अच्छा है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है बक्सर से आरा पटना तक, और रात में भी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, देख ही रहे हैं ट्रैफिक ठीक ठाक रहता है। हम लोग अभी बिहिया क्रॉस कर रहे हैं और रात के करीब 11 बज गए हैं, और गाजीपुर से जब से चले हैं कोई ढाबा ढंग का मिला नहीं। मतलब कहने को तो बक्सर आ रहा एक नेशनल हाईवे है, बट इस पे ढाबा कोई है नहीं। इक्के दुक्के छोटे छोटे झोपड़ी टाइप के ढाबे हैं जहाँ पे ट्रक और पिकअप वाले रुकते हैं, तो बच्चे जो हैं पीछे ऐसे ही सो गए बिना खाए पिए कुछ। अब हम लोग आरा क्रॉस करेंगे तो देखते हैं उधर कुछ ढाबा मिलेगा तो रुकेंगे। गाजीपुर अप्रॉक्सीमेटली 9:30 पर पहुंचे थे और अभी 12:50 हो रहा और पटना पहुंच गए। हम लोग नॉन स्टॉप चले हैं, कहीं रास्ते में रुके ही नहीं क्योंकि कोई ढाबा मिला ही नहीं डिनर करने के लिए। तो गाजीपुर से पटना मैं पहले भी 2-3 बार आया गया हूं, तो दिन में टाइम लग जाता है कम से कम 4.5 से 5 घंटे। इनफैक्ट दिल्ली जाते समय तो मैं 2 बजे निकला था तो 5.5 के 5.5-6 घंटे लग गए थे, लेकिन रात का फ़ायदा देखिए हम लोग करीब 3.25 घंटे में पटना पहुंच गए गाजीपुर से। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि बिहार में अगर आपको चलना है, डिस्टेंस कवर करना है, तो रात का टाइम ठीक रहता है और ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं है। ट्रैफिक रहता है ट्रक का, बस का, पिकअप्स का, और लोकल ट्रैफिक नहीं रहता है, साइकिल, रिक्शा, बाइक से आप बच जाते हैं, जिससे आप बहुत फास्ट डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। ब्लॉग का एंड मैं नेक्स्ट डे कर रहा हूँ। कल रात हम लोग काफ़ी थक गए थे और करीब 1 बजे पटना पहुँच गए। दिल्ली से पटना आने में इस बार हमें अप्रॉक्सीमेटली 15.5 घंटे लगे और पहली बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूज़ करके हम लोग आए यहाँ तक। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि अगर आपको पटना से दिल्ली जाना है या दिल्ली से पटना आना है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाला रूट ही बेस्ट है। बस पटना से गाजीपुर तक का जो रूट है वो डिस्टर्ब है, वो भी उसको अगर अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में क्रॉस करें तो 3.5 घंटे में आप गाजीपुर पहुँच सकते हैं, अदरवाइज़ दिन में तो बहुत टाइम लग जाता है। फ़िलहाल इस रोड ट्रिप का एंड यहीं होता है, फिर हम लोग निकलेंगे अगले महीने या उसके अगले महीने नए रोड ट्रिप पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।